वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू आशु व्यास फिटनेस। आशु व्यास फिटनेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आशु व्यास आपका दोस्त। आज एक टॉपिक पे हम बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जिम जाने वालों की भी समस्या है, जिम ना जाने वालों की भी समस्या है, हर आदमी की वो समस्या है कि ये जो चीज़ होती है इसे हम कैसे इंक्रीज करें, या ये हमारा ऐसे क्यों कम है, कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़। वो चीज़ है स्टेमिना। स्टेमिना आपको वर्कआउट में, एक्सरसाइज में तो काम आता ही आता है, उसके अलावा, एक्सरसाइज के अलावा भी आपकी डेली रूटीन वर्क भी जो होते हैं आपको, वो एक्सरसाइज ना भी करें आप तो भी डेली रूटीन वर्क करने के लिए भी आपको स्टेमिना की ज़रूरत होती है। आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि जो स्टेमिना होता है वो क्यों कम होता है, उसको कैसे इंक्रीज करें, किन चीज़ों से करें और उसको बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे भी आगे जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम कि स्टेमिना जो होता है वो क्यों कम होता है। स्टेमिना कम होने का जो रीज़न होता है वो होता है आपका आलस। आलस इन द सेंस ये नहीं कि मतलब आप आलसी हैं, आप कोई काम नहीं करते, नहीं। जैसे कि आप एक ही जगह सिटिंग जॉब करते हैं तो आपका शरीर आलस हो जाता है, आलसी हो जाता है। आपका जो शरीर है उसमें जो ब्लड फ्लो है, वो आपका लीवर होता है, वो पूरे शरीर की जो आपकी ग्रंथियां होती हैं, नसें होती हैं, उनमें ब्लड पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब आप एक ही सिचुएशन में ज़्यादातर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि घंटों लेट के मोबाइल चलाते रहते हैं या ऑफिस में बैठे ही रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है उनकी नीचे लोअर की, मतलब कमर से नीचे वाले हिस्से की, तो फिर उनका स्टेमिना कम हो जाता है। वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो नीचे की जो नसें होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनमें ब्लड प्रॉपर आपका लीवर सर्कुलेट नहीं कर पाता है। तो वो जब प्रॉपर ब्लड उनको नहीं मिलेगा तो उनमें एनर्जी नहीं रहती है और इस कारण वो शिथिल पड़ जाती हैं, लूज पड़ जाती हैं, तो स्टेमिना आपका कम हो जाता है। आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना है? स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको ये करना है कि आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। फिजिकल एक्टिविटी लाइक जैसे आप, अगर फोन आया है तो आप चलते हुए बात करें, ठीक है, और कोशिश करें कि ज़्यादातर बैठे न रहें। किसी बिल्डिंग में, किसी हाई बिल्डिंग में आपको जाना है तो आप वहाँ पर लिफ्ट का नहीं, सीढ़ियों का उपयोग करें। कोशिश करें कि घर के आसपास ही, अगर एक आध किलोमीटर कहीं जाना है और काम है, हमारे पास समय है, तो हम पैदल पैदल जाएं और पैदल पैदल वापस आएं। इससे क्या होगा कि आपकी कमर का नीचे का जो हिस्सा है, जो एक्टिवेट नहीं रहता है, जो यूज नहीं होता है, वो चलेगा और वो ब्लड की डिमांड करेगा लीवर से और लीवर उसमें ब्लड सप्लाई करेगा, तो आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। स्टेमिना, सीधी सीधी बात है कि ब्लड सर्क्यूलेट होता है बॉडी में, प्रॉपर सर्क्यूलेट होगा, हर हिस्से में सर्क्यूलेट होगा, तो स्टेमिना आपका गेन हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाएं। अगर स्टेमिना आपको गेन करना है तो स्टेमिना गेन करने के लिए जो सबसे अच्छा स्पोर्ट होता है वो होता है फुटबॉल। फुटबॉल से ज़्यादा स्टेमिना मेरे हिसाब से शायद किसी भी गेम में नहीं बढ़ता होगा, क्योंकि उसमें पूरे टाइम आप एक्टिव रहते हैं, आपके पैर एक्टिव रहते हैं और पैरों की नज़र और आपकी खुद की जो नज़र होती है वो फुटबॉल पर रहती है और एक्टिवेट रहना ही पड़ता है। तो स्टेमिना अगर बढ़ाना है तो सबसे अच्छा जो गेम है वो है फुटबॉल। अगर फुटबॉल आप नहीं खेल सकते हैं तो आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रनिंग के लिए भी स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है, तो रनिंग से अच्छा है कि पहले वॉक से स्टार्ट करें, फिर उस वॉक को फास्ट करें और उसके बाद फिर रन पे जाएं, तो आपका स्टेमिना जो है वो धीरे धीरे गेन हो जाएगा। जिम में भी कई लड़के आते हैं मेरे से, बोलते हैं कि सर हमारा स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा फूड होता है और जो नेचुरल होता है, जो इजीली अवेलेबल हो जाता है आपको, जिसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं, आपने सबने देखा होगा, सुना होगा, आंवला। आंवले का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ शायद मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखी है स्टेमिना गेन करने के लिए, जो नेचुरल चीज़ आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप दिन भर में 2 या 3 आंवले खाइए, या आंवले का जो पाउडर होता है उसको पीस के पीजिए और फिर देखिए कि आपका स्टेमिना कितनी अच्छी तरह गेन होता है, कितनी जल्दी गेन होता है। दूसरा जो फूड होता है वो होता है ओट्स। ओट्स आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स में आप हों या आपको स्टेमिना गेन करना है तो आप ओट्स का यूज़ कीजिए। उसका कारण इसलिए कि ओट्स में हाई फाइबर होता है और ये स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपके शरीर में देर तक रहता है और आपका स्टेमिना बढ़ाने में मदद करता है। जब शरीर में देर तक फूड रहेगा, देर तक एनर्जी उसको मिलेगी, तो स्टेमिना ऑटोमेटिकली गेन होगा। इसलिए ओट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आप केला भी खा सकते हैं। दिन भर में आप एक
एक करके 3 बार केले खाएं। केले में भी जो पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम जो होता है वो आपकी नमक की जो कमी होती है शरीर में उसको पूरा करता है। इसलिए मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि नमक की जो कमी होती है उसकी जगह वो भर देता है। तो केला एक बहुत अच्छी चीज़ है आपका स्टैमिना गेन करने के लिए। और यदि आप जैसे आप वर्कआउट करने जाते हैं या रनिंग करने जाते हैं और आपको लगता है कि यार हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या बहुत जल्दी हमारी सांस फूल जाती है या बहुत जल्दी हाँफ जाते हैं, तो आप एक काम करें कि जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं या आप रनिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो आधे घंटे पहले आप कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी हमने दूध में उबाली कॉफ़ी और उसके बाद फिर शुगर मिलाई और उसको पी गए, नहीं, आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। केवल जो कॉफ़ी बीन्स आते हैं उनको आप उबालिए और पानी के साथ उसको पीजिए। ये भी आपका स्टेमिना बहुत अच्छी तरह गेन करेंगी, क्योंकि इनके अंदर जो कोकेन होता है वो आपका जो शरीर होता है, कैफेन जो होता है, कैफेन आपके शरीर को एनर्जी देता है, मतलब सोने नहीं देता है। जो आलस होता है उसको भगाने का काम कैफेन हमारी बॉडी में करता है। तो ये भी आपका स्टेमिना गेन करेगा। और सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें स्टेमिना गेन करने के लिए, आलस को छोड़ें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और आलस से दूर रहें, अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं, ईटिंग क्लीन रखें। और जब ट्रेनिंग जो है हमारी ट्रेनिंग जो है जो हमारी पूरी बॉडी की जो ट्रेनिंग है उसे रोज करें। जिम में भी जाएं तो एटलीस्ट जिम में भी ऐसे वर्कआउट अब चुनें जिसमें आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हो, जैसे साइकिलिंग हो गई, ट्रेडमिल चलाना हो गया, क्रॉस साइकिलिंग हो गई, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गई, और इसके अलावा लेग्स में स्क्वैट्स हो गए। ये सारी एक्सरसाइज को हर 1-2 दिन छोड़ के आप कीजिए, या आप साइकिलिंग और ट्रेडमिल तो आप रोज़ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नीचे की जो बॉडी है, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो एक्टिव रहेगा और वो ब्लड की डिमांड करेगा। और आपका लीवर जब उसमें ब्लड पहुंचाएगा तो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में इक्वली सर्कुलेट होगा, तो आपका स्टेमिना गेन होगा। तो इतनी सी ये छोटी सी बात है, अगर इसको आप ध्यान में रख लेंगे तो बहुत जल्दी आपका स्टेमिना गेन होगा और जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप जिनमें भी इन्वॉल्व हैं उनमें आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी आज जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और आप आगे भी जुड़े रहें और इसी तरह अपने अनुभव शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आशु व्यास साइनिंग ऑफ। बाय बाय।